नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फील ग्रीन हैव ग्रीन द क्लोरोफिल में। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को हम कैसे बिल्कुल फ्री में हमारे किचन में जो अवेलेबल है जो चीज़, उससे हम कैसे अपना नेचुरली इम्यून, अपना डाइजेशन सिस्टम जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। ये एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ईजीली और ऑलमोस्ट सारे इंडियंस के घर के किचन में ये हमको मिलेगी ही मिलेगी, और ये इतनी कमाल की चीज़ है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर एक इम्पोर्टेंट एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी एक्टिविटी को बूस्ट करता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग एसिड को बहुत गलत मानते हैं कि एसिड हो जाएगा, जबकि एसिड बहुत कमाल का है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर, जो हमारे पेट के अंदर जो एसिड है जिसको हम HCl बोलते हैं, वो बहुत कमाल का है। वो ही हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है, हमारे भोजन को पचाने में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो उसी एसिड का है। अब इस एसिड की अगर एक्टिविटी डाउन हो जाए तो फिर आपको पता है क्या होगा, जो हम कहते हैं ना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे खाना खाया हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है कि ये जो एसिड है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, हमारा जो खाया हुआ भोजन है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसकी एसिड की एक्टिविटी को कैसे एनहांस करें उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। ये जो छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़े काम की है, ये है काली मिर्ची। काली मिर्ची का पाउडर आपको एक ग्लास, अगर वार्म थोड़ा सा गुनगुना पानी है तो भी ठीक है, लेकिन नॉर्मल वाटर उसको लेके आप उसमें ये पाउडर डाल के अपनी जो फर्स्ट मील है दिन की, उससे पहले हमें ये लेना है, जो कि आपको पूरे दिन भर के लिए इतना एनर्जेटिक रखेगी, आपका डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा। आप 10 दिन के अंदर अगर आप ये करते हैं तो 10 दिन के बाद आपको खुद को एक बहुत चार्जिंग फील होगा, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि अगर हमारा पेट बिल्कुल स्वस्थ है तो हमारा पूरी बॉडी जो है वो चार्जअप रहती है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हिलअप होने लगती है। तो ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जिसको हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बड़े कमाल की है। अब हमें ये देखना है कि ये जो ब्लैक पेपर है, जो काली मिर्ची है, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है, पेपरिन कंपाउंड होता है। इसी कंपाउंड की वजह से ही जो ब्लैक पेपर है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करती है, ये हमारे HCl की एक्टिविटी को एनहांस करती है। इसीलिए ही हमारे जो हम देखें कि पुराने टाइम में भी जो अपनी जो दिन की शुरुआत करते थे वो गुनगुने पानी के साथ में काली मिर्ची, और हम बाय डिफॉल्ट इसको हमने उसमें अपनी चाय के साथ में हमने रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर हम इसको पानी के साथ में अगर हम लेंगे, चाय के साथ की बजाय अगर हम इसको पानी के साथ अगर हम लेंगे, तो इसका जो इफेक्ट है वो दो गुना हो जाएगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।